ने वीडियो देखी इस कविता से संबंधित, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस कविता का जो भाव है कवि रघुवीर सहाय इस कविता के माध्यम से जो अपने पाठक को समझाना चाहते हैं वह आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं अब इस कविता को। कैमरे में बंद अपाहिज, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन मतलब एक सशक्त माध्यम जिसके द्वारा किसी को भी ये रातों रात राजा या रंक बनाया जा सकता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। देखिए उन्होंने बोला क्या, हम समर्थ हैं, हमें सामर्थ्य है कुछ भी कर गुजरने की। हम शक्तिमान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें वह ताकत है, वह इच्छा शक्ति है, और कह सकते हैं कि हमारे पास वह जरिया है जिससे व्यक्ति को कैसे भी किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, हम मतलब दूरदर्शन या पत्रकारिता या मीडिया, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमज़ोर असहाय से व्यक्ति को लेकर आएंगे। कहाँ लाएंगे, एक बंद कमरे में। आपको पता है न्यूज़ रूम जो होता है एक चार दीवारी के अंदर ही उसमें कार्य होता है, तो वही उस बंद कमरे में लेकर आएंगे। और क्या करेंगे, देखिए उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं। पहले ही उस संवाददाता को पता है, उस चैनल को पता है कि अपाहिज व्यक्ति को लाया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को लाया जा रहा है जो शारीरिक रूप से अक्षम है, जो पहले ही अपनी अपंगता की परेशानी से, उसकी पीड़ा से गुजर रहा है। उसके बाद फिर उसके मर्म को भेदने के लिए, उसकी उसी पीड़ा उसी जख्म को कुरेदने के लिए पूछा जा रहा है, तो क्या आप अपाहिज हैं। इस तरह का प्रश्न आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। इस तरह के सवाल जो व्यक्ति को झकझोर दे, उसके अस्तित्व पर एक सवाल प्रश्न चिन्ह लगा दे। आपने देखा होगा बहुत सारे, जो मैंने कहा था 24x7 24 घंटे सातों दिन चलने वाले जो चैनल हैं, आपस में एक दूसरे से इतनी घनिष्ठ प्रतिस्पर्धा रखते हैं, इतनी ज़बरदस्त। उसके लिए उन्हें कुछ भी चाहिए, वो संवेदनशील नहीं रह गया आज मीडिया। आज क्या रह गया है, सिर्फ एक बाज़ार। आपने बाज़ार दर्शन पढ़ा था, बाज़ार बन गया है मीडिया, कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एकत्रित करनी है, अपने लाभ को देखना है। उसे मानव के संवेदनशील मुद्दों से कोई नाता नहीं है, किसी भी तरह से वह उसे उन सब चीज़ों से वो परे है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी व्यक्ति ने। आप देखिए कई बार आप देखते हैं कि कहीं पर कोई हादसा होता है, मीडिया वाले जाते हैं, अच्छा ये ऐसा हो गया, क्यों हुआ, फिर आप क्या करेंगे, आप किस तरह से रह पाएंगे, आपको कैसा लग रहा है। इस तरह के सवाल पूरी तरह से अमानवीयता को दर्शाते हैं। यहाँ पर वही चीज़ करी जा रही है जिसको रघुवीर सहाय ने अपनी कविता के माध्यम से सबके सम्मुख ला दिया है। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा मतलब और ज़्यादा जूम करो, बिल्कुल एक एक बारीक चेहरे की बारीक बारीक लकीरें उसकी दिख जानी चाहिए। उसके चेहरे का तनाव, उसके चेहरे की जो दुख है, वो अच्छे तरीके से जब दिखेगा तभी ये चैनल अच्छा पैसा कमा पाएगा। क्योंकि दर्शक जो बैठा है घर में, उसे किस तरह से उसके साथ उसका रिश्ता जोड़ पाएंगे, किस तरह से उसकी संवेदनाओं को उसकी संवेदनाओं के साथ एक सूत्र में बांध पाएंगे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, कैसे कोई व्यक्ति बता सकता है कि उसे अपंग होकर, उसे शारीरिक रूप से अक्षम होकर कैसा लग रहा है, किस तरह से। ये तो एक भाव है इंसानियत के इंसानियत के ज़रिए हर व्यक्ति को जिस चीज़ को समझ जाना चाहिए उसे बुलवाया जा रहा है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये तीसरा अमानवीय प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि आपको किस प्रकार का लगता है। जो व्यक्ति चल नहीं सकता, जो व्यक्ति पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होने की कगार पर खड़ा है, जो सक्षम नहीं है एक शारीरिक रूप से, वह एक पीड़ा को झेल रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि आपको कैसा महसूस होता है।
यानी कैसा? हम इशारे से बताएंगे। क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। ये अपने मतलब उसकी इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को, उसके भावों को व्यक्त करने के लिए तरह तरह के इशारे, तरह तरह की भाव उसके सामने व्यक्त किए जाएंगे कि आप बताओ ना, तरीके से लोगों के सामने खुलकर बोलो, तभी तो लोग आपकी पीड़ा के साथ अपना साझेदारी कर पाएंगे, तभी तो लोग आप पर दया दिखा पाएंगे, आपके साथ सहानुभूति रखेंगे, और सहानुभूति के रहते हमारे इस चैनल को बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएँ भेजेंगे। आप देखिए कोष्टक में दिया गया है, यहाँ ये जो ब्रैकेट में दिया गया है इसका बहुत महत्व है। ब्रैकेट में एक तो कविता की खूबसूरती को बढ़ाता है, दूसरा जो पाठक है वह इस कविता के आकर्षण को देखते हुए इसको जानने का प्रयास करता है, और जो चीज़ें सीधे सीधे कविता में बताई नहीं जा सकती उसे कोष्टक के ज़रिए यहाँ पर कवि बता रहे हैं। वे अवसर खो देंगे, अवसर खो देंगे मतलब समय चूक जाएंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रुक पड़ने का, करते हैं मतलब यहाँ इस तरह से उसके मर्म को भेदा जाएगा, उसकी पीड़ा को खंगाला जाएगा, उसके जख्मों पर नमक छिड़का जाएगा कि वह तिलमिला उठे, वह रो पड़े अपनी असहायता पर, और जब उसे रुला देंगे तो रुलाने से क्या होगा, तो घर में बैठा दर्शक है वह भी उसके रोने का मानो इंतज़ार ही कर रहा होता है। और यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये प्रश्न क्या है, पर्दे के पीछे है, यह प्रश्न एक हर व्यक्ति के अंतर मन में है, ये फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। उन्होंने कट करा उसके बाद फिर से, क्योंकि वो जो रील जो चल रही है उसकी कीमत है, इसलिए उसको रुलाने के बाद फिर से जब उसके भाव, उसके चेहरे के भावों पर परिवर्तन आ गया, उसके चेहरे पर बहुत ही दारुण हो गया उसका चेहरा, तब वापस उस रील को चलाया जाएगा और कैमरा ऑन किया जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, फूली हुई आँख की एक तस्वीर। जब बहुत ज़्यादा हम रोते हैं तो हमारी आंखें सूज जाती हैं, तो वही जब अपाहिज से इस तरह के प्रश्न पूछे गए कि आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है बताएं, इस तरह के जब उसको प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, वो वहाँ आया था सिर्फ एक उम्मीद के ज़रिए कि शायद ये पत्रकारिता, ये मीडिया उसकी समस्या को समझे और उसके लिए कोई समाधान प्रस्तुत करे। लेकिन यहाँ पर मीडिया या पत्रकारिता एक क्रूर चेहरा लेकर आया हुआ है, जिसमें पूरी तरह से अमानवीयता है, शोषण है, वह उसकी मदद नहीं बल्कि अपने लिए एक बाजार निर्मित कर रहा है। फिर क्या हुआ, जब उसको रुला दिया गया तो उसकी सूजी हुई आंखें, उसकी फूली हुई आंखों की बड़ी सी तस्वीर, बहुत बड़ी, जैसे मैंने आपके पास इस शब्द को ले गई हूँ तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है, वैसे ही उसकी आँखों के पास कैमरा ले जाके उसे दिखाया गया है, और उसके होठों पर एक कसमसाहट। कसमसाहट क्या होता है, जब हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम कह नहीं पाते और होठ मानो फड़फड़ा कर रह जाते हैं, या वो शब्द, वह बात हमारे होठों पर रुक जाती है, तो उसे कसमसाहट कहा जाता है, एक पीड़ा। आशा है आप उससे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, जबकि वह अपंगता की पीड़ा नहीं है, वह कहना चाहता है, वह अपना क्रोध जताना चाहता है, लेकिन वह नहीं जता पा रहा क्योंकि वह असहाय है, और जो घर में बैठा दर्शक है वह सोचेगा कि वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। और एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, एक संग मतलब कौन, आप और वह। आप कौन है, आप है दर्शक और वह है अपाहिज। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये जो पंक्ति है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह है पत्रकारिता के सबसे क्रूरतम चेहरे को प्रकट करती है। हम अब मुस्कुराएंगे। हम आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। आपने कल एक वीडियो देखी थी जिसमें अभिषेक बच्चन उस बच्चे से पूछता है, लगता है एक बार कि हाँ वो उसको, बच्चे को प्यार करेगा, उसे सहलाएगा, उसको समझाएगा, लेकिन नहीं,
जब कार्यक्रम उनका खत्म होता है तो एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर होती है। वह मुस्कान होती है अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की, कि उस बच्चे की गरीबी का मजाक बनाते हुए या उस गरीबी को भुनाते हुए दर्शकों के बीच वह किस प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप क्या देख रहे थे? इस सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, ये सामाजिक उद्देश्य चल रहा था, एक लोगों के जज्बातों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, जबकि असलियत यह थी कि लोगों के जज्बातों का मजाक उड़ाया जा रहा था। बस थोड़ी कसर रह गई, ब्रैकेट में जो लिखा है, मतलब उस जो न्यूज़ एंकर है उसे बहुत बुरा लगा कि अपाहिज थोड़ा और बुरी तरह से बिलखता है या अपनी पीड़ा को बताता तो शायद और भी ज़्यादा वह मुनाफा कमा सकती। ठीक है बच्चों, आपने कविता समझ ली होगी। कल हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।